इसके बाद जो अहम नुकात है वह है मराठा बहादुर सरदार। मराठा बड़े ही मेहनती, वफादार और दिलेर लोग थे। बहादुरी और दिलेरी से लड़ना फख्र की बात समझते थे। मराठा सरदार अपनी एक फौज रखते थे। हर मराठा सरदार हाथ में भाला, कमर में तलवार और घोड़े पर सवार फौज में भर्ती होता था। हर मराठा सरदार के पास अपनी एक फौज होती। जब वो सुल्तान के पास पहुंचता तो उसे आसानी से नौकरी मिल जाती। बादशाह मराठा सरदार से खुश होकर इन्हें बड़े और आला अहदे देते या किसी किसी को जागीरें देते। जो मराठा सरदार को जागीरें मिल जाती वो मराठा सरदार उस जागीर का अपने आप को राजा समझता। ये मराठा सरदार अगला इस सबक का अहम नुकात बहादुरी की रिवायत। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने देखे कि मराठा सरदारों के कितने बहादुर और दिलेर थे। मराठा सरदार बड़े ही दिलेर और बहादुर थे, लेकिन इनके आपस में अनबन की वजह से ये कभी मुत्तहिद नहीं हो पाए और आपस में लड़ते रहे, और इनकी इस बहादुरी और दिलेरी का दूसरे लोग फायदा उठाते थे। मराठा सरदार मगर महाराष्ट्र में इन मराठा सरदारों की वजह से बहादुरी और दिलेरी में नौजवानों में बहादुरी का एक जज्बा पैदा हुआ। इसी तरह मराठा सरदार आपस में नहीं मिल पाए, लेकिन वो एक महाराष्ट्र के एलोरा के भोसले खानदान ने बड़ी शोहरत और इज्जत पाई।